नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक टावर आया है, तो कस्टमर ने पहले तोड़ फोड़ के देखिए ये निकाल रखा है अलग से, तो बता रहा है कि एक तो बज रहा है, दूसरा ये स्पीकर इसका नहीं बज रहा और बूफर भी गुड़ 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 की आवाज़ आ रही टुक टुक टुक, मतलब ये प्रॉपर बढ़िया से नहीं बज रहा दोनों। एक ये बज रहा है और ये दूसरा नहीं बज रहा, ये भी नहीं बज रहा। तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। एक बार मैं पहले आपको बजा के दिखा दूं। ये ब्लूटूथ आ गया, मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लूटूथ को। कनेक्ट हो गया मेरा और दोस्तों मेरे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। ये देखिए ये बज रहा है, इस स्पीकर में देखिए कोई इसमें बज नहीं रहा, इसका बूफर भी ना प्रॉपर नहीं बज रहा है, डुक 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 करके आ रहा, जो बेस धमक आने चाहिए। वॉल्यूम बेस टेबल मैंने फुल कर दिया, तब भी देखिए इसमें इस टाइप के जो आवाज़ होने चाहिए वो नहीं आ रहा। तो आइए इसको ठीक करके करते हैं, दिक्कत क्या है। इसको दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, और आइए ऑडियो इसको चेक करते हैं बिना मल्टीमीटर के सहारे से। देखिए मैंने पेचकस ले लिया, एक नंबर पिन पे इसके ऑडियो आता है। देखिए इधर से एक नंबर पिन हो गया, यहाँ पे देखिए एक टिक 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 के आ रही है, तो एक नंबर पे तो ऑडियो आ रहा है। एक स्पीकर अपना सही है, और दूसरे भी ये वाला पहला वाला आईसी सही है। अब दूसरे आईसी के एक नंबर पिन पे चेक करते हैं, ये देखिए कोई ऑडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं आ रहा। अब ये बेस वाला भी वॉल्यूम बंद करने भी एक प्रॉब्लम है, अपने आप खरखर खरखर वॉल्यूम प्रॉपर बंद नहीं होता, खरखर आठ की इसमें आवाज़ आती है। तो ये देखिए अभी खरखर खर कर वॉल्यूम बंद कर रखा है, तब भी कोई बज नहीं रहा, तब भी खरखर खर करके जो वॉल्यूम बंद होते ही ना, तो इसको बंद होना चाहिए, स्पीकर बेस बंद हो जाना चाहिए। अब ये देखिए तीसरी आईसी के जो बेस की आईसी है, इस पर हम एक नंबर पर ऑडियो चेक करते हैं। देखिए ऑडियो तो आ रही है हल्का, लेकिन ये आईसी इंटरनल ख़राब है, अंदर से आईसी ये ख़राब है, क्योंकि ऑडियो कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए ये ना इसमें हल्का हल्का आ रहा है, तो हम आइए इसको पहले ये दूसरे नंबर की आईसी चेंज करें और तीसरे नंबर का। पहले वाला तो सही है स्पीकर का है, दूसरा भी स्पीकर का ही है, स्पीकर का है, लेकिन ये आईसी तो बिल्कुल इस पर ऑडियो नहीं है, तो बिल्कुल ही 100% ख़राब है। और तीसरा थोड़ी सी वीक लग रही है, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा दूसरा और तीसरा, तो चेंज करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने सील्ड वायर में पेस्ट लगा लिया, और ये देखिए आयरन से मैं आईसी दूसरी नंबर की आईसी को निकाल रहा हूँ। तो ऐसे आप हल्का हल्का, नहीं तो प्रिंट उखड़ जाएगा। देखिए हल्का लगाइएगा तो ये सोल्डिंग वायर के अंदर आ जाता है, गर्म करिएगा हल्का हल्का, ये देखिए इसका पिन क्लीन हो गया। तो इसी तरह धीरे धीरे करके आपको, जब तक दोस्तों मैं दोनों आईसी, एक आईसी का तो इसको ओपन कर दिया, जब तक दोनों आईसी मैं चेंज करता हूँ, तब तक दोस्तों मेरा एक छोटा सा काम करिए। आप मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये मैंने दोनों आईसी निकाल लिया, देखिए बीच वाली आईसी जिस पे ऑडियो नहीं आ रहा था कितनी जली और फटी हुई है, देखिए पूरा बोर्ड में काला काला हो रखा है। और ये तो फिजिकली ठीक लग रही है, लेकिन ये भी थोड़ा सा काले हो रखी है, ये भी ख़राबी है, तो इसको तो फेंकिए। और ये मैं आपको एक बता दूँ कि ये जो काला काला लग रहा है, इसको चिमटी से या ट्यूजर से खरो मैंने 20-30 नया आईसी ले लिया। ये देखिए दोनों पे कंपाउंड लगा, आप भी लगा लीजिएगा, फिर लगा के मैं सोल्डिंग करता हूँ। ये देखिए मैंने बिठा लिया, नट बोल्ट लगा के इसको फिक्स करता हूँ। दोस्तों मैं इसको सोल्डिंग मार रहा हूँ, देखिए एक एक पिनों को आराम से, एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, आराम से मार लीजिए। देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है सोल्डिंग, ये कर लीजिए और करके फिर चालू करते हैं दोस्तों।
दोस्तों सोल्डिंग करने के बाद में थिनर या पेट्रोल से आप थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, देखिए, ताकि मॉइस्चर जो होता है सोल्डर और पेस्ट का जो होता है वो क्लीन हो जाएगा, तो सनसनाहट वगैरह हमिंग की दिक्कत नहीं आती है। और ऐसे आप पेचकस से ना कहीं शॉर्टिंग न रह जाए खुरच लीजिए। और अब ये दोनों काम हो गया और इसके बाद सप्लाई देके चालू करके बजाते हैं। दोस्तों मैंने आईसी लगा दी और ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, अब बजाता हूँ आपको। और इसके ऊपर देखिए मैंने जो बूफर नहीं बज रहा था सही से और ये स्पीकर नहीं बज रहा था, इन दोनों पर वायर के टुकड़ों में काट के डाल रखा हूँ ताकि पता लग सके कि ये सही हो गया है। दोस्तों मैं अब बजाता हूँ, देखिए इस पर मैं वॉल्यूम थोड़ा तेज करता हूँ, ये देखिए देखिए ये भी जंप कर रहा है। ये बेस मैंने कम कर दिया, पहले स्पीकर आपको दिखा दूँ, ये देखिए स्पीकर देखिए बजना चालू हो गया। अब आपको बेस दिखाता हूँ, स्पीकर बंद कर दिया मैंने, अब बेस दिखाता हूँ, ये देखिए तो अपना फाल्ट ओके हो गया दोस्तों।